अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं बेहद टेस्टी हैदराबादी मटन बिरयानी। ये बनाना बहुत ही आसान है, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 750 ग्राम मटन का गोश्त लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मटन को हम उस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें हमें पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे एक सूखी इलायची, एक जावित्री का पीस, दालचीनी, 4 लौंग और इसमें 3 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 टेबल स्पून इसमें हम दही डाल देंगे। अगर आप चाहें तो मटन की जगह चिकन या बड़े का गोश्त भी ले सकते हैं, उसकी भी अच्छी बनती है। थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे। 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टी स्पून नमक डालेंगे। 1 टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे और 2 बड़ी प्याज को मैंने फ्राई करा है, प्याज फ्राई करी हुई डाल देंगे। थोड़ी सी रोक लेंगे, उसे हम बाद में डालेंगे। और इसमें 5-6 हरी मिर्च की 2-2 पीसों में करके डाल देंगे। हरी मिर्च टेस्ट के हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैंने जो प्याज फ्राई करी थी वो वाला ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल बचा कर रख लेंगे, ये हम बाद में डालेंगे। फ्राई करी हुई प्याज का जो ऑयल होता है वो डालने से हमारा हैदराबादी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है। मसालों को सब मिक्स कर देंगे। हम इसे पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त ने और दही ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। इसे ढककर मीडियम आंच पर कम से कम 20 मिनट पका लेंगे या गोश्त गलने तक इसे पका लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट पकाने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया था क्योंकि मटन जो है जल्दी गल जाता है। पीस को हम चेक कर लेंगे तो अच्छा, हमारा पीस गल चुका है। इधर हमारा मटन तैयार हो चुका है और इसे थोड़ा पतला है, हमें ऐसे ही रखना है। इधर हम अपने चावल देख लेते हैं। हमने आधा घंटे पहले इसे बासमती चावल को भिगो दिया था। अगर गोल्डन चावल लें आप यानी सैला चावल तो उसे 1-2 घंटे के लिए भिगोएं। तो एक पतीले में हमने ढेर सारा पानी रखा है क्योंकि चावल बॉईल करना है। आधा चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का पीस, 1 सूखी इलायची और 4 लौंग डाली हैं। 3 टी स्पून नमक डाला है और इसमें लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। इसे थोड़ा बॉईल कर लेते हैं। पानी बॉईल हो चुका है, इसमें चावलों को अच्छे से वॉश करके छान के हमने इसमें डाला है और चावल को हम लगभग 80% गला लेंगे। अगर आप सैला या गोल्डन जो चावल होते हैं उन्हें पकाएं तो उन्हें 90% गलाएं, क्योंकि सैला चावल जो है वो टूटते नहीं हैं और बासमती चावल वो टूट जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से पकाना है। तो चावल हमारा 80% गल चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे और चावल को छान कर मटन के ऊपर फैला देंगे। तो इधर हम अपना मटन देख लेते हैं। तो देखिए मटन में हमारा थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही रखना है ताकि हम जब इसके ऊपर चावल डालकर इसे पकाएं तो ये नीचे से जले नहीं। तो आपको भी थोड़ा सा पानी रखना है मटन में और अच्छे से बड़े ध्यान से चावल को मटन के ऊपर फैलाना है क्योंकि ये बासमती चावल हैं, ये टूट जाते हैं। अगर आप सैला चावल का बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सैला चावल जो है वो टूटते नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी बासमती का बनाएं, वरना आप सैला चावल की हैदराबादी बिरयानी बनाएं। अब ढककर हम 4 मिनट मीडियम आँच पर इसे पका लेंगे ताकि मटन के साथ हमारे चावल में जो कसर रह गई है वो अच्छे से पक जाए। 4 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस को बंद कर दिया है। केवड़े में फूड कलर मिलाकर डाल देंगे और जो फ्राई करी थी हमने प्याज वो डाल देंगे और बीच में से चीरकर 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे। हमने ऑयल जो बचा हुआ था वो भी डाल दिया है लेकिन हम कैमरे में दिखा नहीं पाए, मिस हो गया। और 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सारी खुशबू हमारी बिरयानी में आ जाए। तो अब इसे बड़े ध्यान से हम साइड से चावलों को ऊपर नीचे करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो खुशबूदार मज़ेदार मटन हैदराबादी बिरयानी बनकर तैयार है, खाने के लिए एकदम रेडी है। तो इसे गर्म गर्म हम सर्व कर लेंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमारी हैदराबादी मटन बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। मेरा दावा है कि जब आप हैदराबादी मटन बिरयानी इस तरह बनाएंगी तो बहुत ज़्यादा तारीफें पाएंगी। आपके लिए नई नई मज़ेदार रेसिपी लाना मेरा काम है। मेरी रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।